प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अफगानिस्तान के सदर हामिद करज़ई ने अमेरिका और इत्तेहादियों को एक नई धमकी दी है। अफगान सदर हामिद करज़ई का कहना है कि अगर अमेरिका और मगरबी ममालिक ने अफगान उमूर में मुदाखलत बंद न की तो तालिबान की जो मुज़ाहमत है वो जायज़ बन जाएगी। हामिद करज़ई का यह भी कहना है कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन अब अक़वामे मुत्तहिदा से अफगान हुकूमत के पास आना चाहिए। ये बात उन्होंने पार्लियामेंट के कुछ अरकान से गुफ्तगू करते हुए कही है। अफगानिस्तान के सदर हामिद करज़ई का ये भी कहना है कि कंदहार ऑपरेशन उनकी मर्ज़ी और मुशावरत के बग़ैर नहीं होगा। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में अक़वामे मुत्तहिदा के एक साबिक सफारतकार पीटर गालब्रेथ का कहना है कि लगता है कि हामिद करज़ई नशा करते हैं तभी इस किस्म के जज्बाती बयानात दे रहे हैं। हामिद करज़ई का ये जो ताज़ा बयान है इसका तनाजुर क्या है, इसका पस मंज़र क्या है, इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन हम आपको ये भी बताते चलें कि अफगानिस्तान के अंदर अब हामिद करज़ई के लिए भी शदीद मुश्किलात सामने आ रही हैं। किस कदर मुश्किल होता चला जा रहा है अफगानिस्तान का मसला खुद हामिद करज़ई के लिए, अमरीका के लिए और मगरबी ममालिक के लिए, इतिहादी अफवाज के लिए, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है पेशावर से अफगानिस्तान में पाकिस्तान के साबिक सफीर रुस्तम शाह मोहम्मद ने। बहुत बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह मोहम्मद साहब। ये जो ताज़ा तरीन बयान सामने आए हैं जिसमें हामिद करज़ई ने अमरीका और मगरबी ममालिक पर तनकीद की है, आपके ख्याल में, आपके तज्जिए के मुताबिक ये वाकई उन्होंने दिल से ये बात कही है या फिर आपको कॉस्मेटिक लग रहा है ये सब कुछ? देखिए, कुछ अरसा से इनमें ये टसल जारी है। अमेरिका इस बात पे खफा हुआ कि करज़ई साहब ने जो पाकिस्तान में तालिबान रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया था, करज़ई साहब ने उस पर बरहमी का इजहार किया और उसको अप्रिशिएट नहीं किया। इस पर भी अमेरिका नाराज़ है क्योंकि वो अमेरिकन और पाकिस्तानियों ने जॉइंट ऑपरेशन करके उन लोगों को गिरफ्तार किया था। दूसरी वजह ये हुई कि करज़ई साहब ने ईरान के सदर अहमदी निजात को इनवाइट किया, उनको काबुल ले आए। ऐसे वक्त में जब अमेरिका कोशिश कर रहा है कि ईरान तनहा रह जाए, उन पर सेंक्शन लग जाए, उनका ये इकदाम अहमदी निजात को यहाँ इन्वाइट करना, ये भी अमेरिका को बुरा लगा। ये एक दूसरी वजह हुई। फिर एक मुसलसल जो एक बुनियादी वजह है वो ये है कि अमेरिका पे अपनी यूरोपियन एलाइज की तरफ से दबाव है कि हालात दुरुस्त नहीं हैं, करप्शन बदस्तूर जारी है बल्कि ज़्यादा हो रही है, गवर्नेंस का फुकदान है, ओपियम पॉपी जो है उसका कोई हल अभी तक नहीं निकल सका, अफ्यून की पैदावार बढ़ रही है और जो इमदाद हम दे रहे हैं वो सही इस्तेमाल नहीं हो रही क्योंकि उसके लिए कोई सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशंस नहीं है। तो अमेरिका वो बात करज़ई साहब तक पहुंचाता रहता है और करज़ई साहब को उन पे ये प्रेशर डालते रहते हैं कि बाज़ लोगों से वो निजात हासिल करें और गवर्नेंस को इम्प्रूव करें, अफ्यून की काश को वो कम करें, ख़त्म करें। लेकिन करज़ई साहब के रास्ते में मुश्किलात हैं, वो इन बातों के करने को तैयार नहीं है क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो बहुत से लोग उनका साथ छोड़ जाएंगे जिन पे कि उनकी हुकूमत का दारोमदार है। ठीक, इसलिए दोनों के फासले बढ़ रहे हैं लेकिन एक बात तय है कि ये फासले इतने नहीं बढ़ेंगे कि बिल्कुल एक खलीज पैदा हो जाए। वजह उसकी ये है कि करज़ई साहब को अच्छी तरह मालूम है कि इत्तेहादी फौज की मदद के बगैर उनकी हुकूमत को चलाना मुमकिन नहीं है, इसलिए वो नौबत नहीं आएगी कि बिल्कुल उनके रास्ते जुदा हों, वो नौबत नहीं आएगी। लेकिन बाकी उनके रास्ते में मुश्किलात बहुत हैं और अंडरस्टैंडिंग की भी कमी है। फिर आखिरी बात जो हुई वो ये हुई कि करज़ई साहब ने बयान दिया कि अगर ऐसे हालात रहे तो मैं तालिबान की सफ में शामिल हो जाऊंगा। इस बात ने वाशिंगटन को बिल्कुल हिला दिया और उन्होंने कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर हमने जो उनको इनवाइट किया है कि मैं अमेरिका का दौरा करें उस पर हम नजरसानी करेंगे। अच्छा शाह साहब, ये बयान इसलिए भी परेशान कुन है कि कंदहार में भी अब ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं और इस बयान से पहले इस हामिद करज़ई का ये बयान सामने आना और फिर हमें इस तनाजुर में भी देखना होगा कि अभी अभी बराक ओबामा भी अफगानिस्तान का दौरा करके गए हुए, वो भी कर गए हैं और करज़ई साहब खुद भी परसों एक दिन के लिए कंदहार गए और उनको मालूम है कि कंदहार में ये ऑपरेशन होगा तो उसमें सैकड़ों हजारों बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, जैसे कि वहाँ पे हेलमंड में हुआ। हेलमंड की आबादी कम है, मर्जा की आबादी सिर्फ 40,000 थी, कंदहार की आबादी तो लाखों में है। तो करज़ई साहब का अपना वो सूबा है, उनको मालूम है कि वहाँ पे अगर मैं दबाव न डालूँ तो ये लोग इसी तरह निहत्ते शेरियों को निशाना बनाएंगे और वो सारा कंदहार, सारा सूबा करज़ई साहब के खिलाफ उठ खड़ा होगा। तो वो रिएक्शन से डरते हैं और वो
चाहते हैं कि अमेरिकन्स पे और इत्तेहादी फौज पे दबाव बढ़ाएं ताकि वो इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग न करें और कोलेटरल डैमेज काज न करें जिससे कि लोगों की अमलाक को और लोगों की जानों को जो है वो नुकसान पहुंचे। अच्छा शाह साहब, तो अगर हम ये कहें तो बजा होगा कि अफगानिस्तान में हामिद करजई, अमरीका, इत्तेहादी अफवाज न सिर्फ ग्राउंड लूज कर चुके हैं बल्कि जो अफगानिस्तान के अवाम हैं उनके दिलो दिमाग जो जीतना चाह रहे थे वो उसमें भी हार गए हैं। वो तो काफ़ी अरसे से है और जैसे मजीद वक्त गुजरता है और वो हार्ट्स और माइंड्स की बैटल को वो लूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो कोलेटरल डैमेज रोज़ाना होता है और जो लोगों की वो तलाशियां लेते हैं, फिर जो लोगों की बेइज्जती करते हैं, फिर लोगों को जो जेल ले जाते हैं और फिर उनको जेलों में जो टॉर्चर किया जाता है और बाज़ों को तो इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो मर जाते हैं और फिर वो फ्रेंडली फायर से बाज़ लोग मर जाते हैं। जैसे उस दिन अफगान फौजी जो है वो कुंदूस में वो जर्मनों के हाथ में 6 फौजी जो है वो मारे गए। तो ये सारी बातें हैं जो सारी मिलत में, सारी कौम में, सारे मुल्क में एक इस्तराब फैला रही हैं और उनके लिए हालात वहाँ पे कंड्यूसिव बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब उनके लिए कोई जाए फरार भी नहीं है। नवंबर में अमरीका के इलेक्शन होने वाले हैं, कांग्रेस के मिड टर्म, और ओबामा साहब चाहते हैं कि इनसे पहले कौम को एक खुशखबरी दी जाए कि अफगानिस्तान में जंग का पासा पलट दिया गया है। इसलिए वो ये समझते हैं कि ये साल बहुत क्रिटिकल होगा और इसलिए वो पाकिस्तान की भी हर मुमकिन मदद की तैयार है क्योंकि पाकिस्तान की मदद इस सारे इशू में क्रिटिकल है और वो चाहते हैं कि कंधार में हमला करके फिर अमरीकी कौम को यह बावर कराया जा सके कि अफगानिस्तान में जंग का पासा पलट गया है और तालिबान अब शिकस्त खाने लगे हैं और इत्तेहादी फौज अब फतूहत के करीब हैं ताकि नवंबर में डेमोक्रेटिक पार्टी इलेक्शन जीत जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, तफसील से हमें बता रहे थे कि अफगानिस्तान में इस वक्त हामिद करजई और अमरीका के लिए क्या मसाइल हैं। उनका यह भी कहना था कि अमरीका के अंदर नवंबर में कांग्रेस के मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं और अमरीकी सदर बराक ओबामा, इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने मुल्क को, अपने अवाम को पैगाम देना चाहते हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान में अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं, लेकिन इसके साथ साथ यकीनी तौर पर अफगानिस्तान में अफगानिस्तान के सदर हामिद करजई और इत्तेहादी अफवाज और अमरीका के लिए बहुत सी मुश्किल हैं। आज की एक और अहम खबर है, कैसा दिन जब आलमी योम सेहत मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। आज लाहौर के मुतअद्दद जो सरकारी अस्पताल थे उनके जो इंडोर और आउटडोर थे वो बंद रहे और किसी भी पेशेंट को वहाँ पर जाहिर है कि नहीं ट्रीट किया गया। एमरजेंसी मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों की खुली रही लेकिन डॉक्टर्स और सहाफ़ियों के दरमियान जो तनाज़ा हुआ था और डॉक्टर्स ने जो जिना अस्पताल में सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया था उसके खिलाफ उल्टा डॉक्टर्स ने हड़ताल की है और आज मरीजों को ट्रीट नहीं किया गया है। सवाल यह पैदा होता है कि अगर तनाजा सहाफियों के साथ है तो अवाम के साथ डॉक्टर्स की क्या दुश्मनी है। आलमी यौम सेहत पर डॉक्टर्स का एहतजाज एक सवालिया निशान है। यह था हमारा आज का प्रोग्राम, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।